नमस्कार साथियों, आपको पता है 13 अगस्त आने वाला है। आप सब भाई मेरी बात को ध्यान से सुने। 13 अगस्त 1795 को हमारी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी हमें छोड़कर स्वर्ग को चली गई थी, तो उनकी पुण्यतिथि आने वाली 13 तारीख को। तो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी माँ अहिल्या के भक्त हैं, आप सब मेरी इस वीडियो को जरा ध्यान से सुने। 13 अगस्त को लोकमाता देवी अहिल्याबाई की पुण्यतिथि हम सब मिलकर एक साथ बनाएं। लोकमाता देवी अहिल्याबाई ने जितने भी हिंदुस्तान में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, मंदिर बनवाए और कुएं खुदवाए, जितने भी मतलब द्वार बनवाए, उनके द्वारा निर्मित जितनी भी मतलब पुरानी चीजें हैं, जितने भी किले हैं, महेश्वर है, वहां पर आप सब जाकर साफ सफाई करें और माता रानी के पुण्यतिथि के अवसर पर आप गेम कराएं और जो बच्चे 10th और 12th में अच्छे नंबरों से पास हुए हैं उनको इनाम दें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तान में देखना चाह रहा हूँ कितने माँ अहिल्या के पुत्र हैं, कितने माँ अहिल्या के भक्त हैं जो इंसानियत को जिंदा रखे हैं और दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तो हिंदुस्तान में मेरे जितने भी पाल, बघेल, धनगर, गाड़री, ग्वाला, वाटकर, होलकर, नायकर, शिंदे, जितने भी गद्दी गलरिया समाज के जितने भी भाई हैं, आप कितनी समाज सेवा करते हो, आप अपनी अपनी वीडियो बनाकर अपने जिले से अपना परिचय दें। मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं गिरिराज पहलवान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से, लोकमाता देवी अहिल्याबाई का सबसे छोटा सैनिक। आने वाली 13 तारीख को अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो लोकमाता देवी अहिल्याबाई की एक तस्वीर रखकर एक दीप जरूर जलाएंगे। हम हिंदुस्तान को बताएंगे लोकमाता देवी अहिल्याबाई की पुण्यतिथि है 13 अगस्त को। तो भाइयों, आप सबसे निवेदन है जितने भी माने घाट बनवाए, मंदिर बनवाए, वहां पर जाकर साफ सफाई करें और हो सके तो अपने अपने क्षेत्र में दौड़ कराएं या बच्चों को पुरस्कार वितरण कराएं या फिर हॉस्पिटलों में जाके उन बीमार लोगों की सेवा करें, उन्हें नाश्ता कराएं। इस वीडियो बनाने का मेरा एक ही माध्यम है कि आने वाले 13 अगस्त को आप लोकमाता देवी अहिल्याबाई की पुण्यतिथि अपने अपने जिले में मनाएं और अपना परिचय जरूर दें, जिससे कि हम समझ सकें किस राज्य में, किस जिले में हमारे समाज से भी उपलब्ध है। जय माँ अहिल्या, जय मल्हार, आपका गिरिराज पहलवान। लोकमाता देवी अहिल्याबाई अकेले पाल, बघेल, धनगर, गड़रिया समाज की नहीं है, 36 बिरादरी की है। तो जितने भी माँ के भक्त हैं।